नमस्कार, मैं मनु और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक साथ कई चुनावी सभाएं की और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान अपनी एक सभा में उन्होंने कहा कि चुनाव में यदि हम अपना अधिकार नहीं ले सके तो आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। खड्डा के प्रत्याशी ओम प्रकाश निषाद तथा जंगीपुर के पार्टी प्रत्याशी मनीष चौधरी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सनी ने कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक लड़ाई ही नहीं अधिकार लेने की भी है। वहीं सनी ने भाजपा पर कहा कि इस बार की यूपी में मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समय आ गया है कि जिन्होंने हमें अपने अधिकार से वंचित रखा उनसे हिसाब बराबर किया जाएगा। भाजपा के लोग निषाद समाज को डराते आए हैं, धमकी देते हैं कि वोट नहीं दिया तो घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन इस बार भाजपा को निषाद समाज का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर निषाद समाज को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव।